बातचीत ईरानियन मंत्री महोदय से हुई। चाबहार पोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहां रेलवे लाइन के लिए इरकॉन को काम करना है, उस काम को भी काफी एक्सपीड किया गया है। और ईरानियन सरकार की तरफ से उन्होंने एक प्रपोजल दिया है कि हम लोग लोकोमोटिव इंजीन चाहिए उनको 250-300, रेल के लिए स्टील रेल चाहिए, वो भी काफी बड़े प्रमाण पर चाहिए जो इंडिया दे सकती है। और हमारे लिए यूरिया की अभी कमी है, तो यूरिया चीपर रेट में देने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि बार्टर सिस्टम के भी प्रपोजल्स पर आप विचार करिए। और काफी डिटेल में बातचीत हुई और इसके बारे में कुछ डिपार्टमेंट जो बाकी हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए उनके एम्बेसडर को मैंने, हमारे जो स्टेट मिनिस्टर है मांडविया जी केमिकल एंड उनके साथ उनकी आज मीटिंग भी कराने की बात की है। रिगार्डिंग चाबहार पोर्ट के बारे में, ईरानियन बैंक जो है वो अपनी ब्रांच मुंबई में 3 महीने के अंदर ओपन कर रही है। हमारे रिजर्व बैंक ने उनको सब अनुमति दे दी है। बीच में यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का भी हम उपयोग कर रहे हैं। और हमने जो $85 मिलियन का जो मशीन का ऑर्डर दिया है उसको भी हम लोग भेजने में बीच में कुछ बैंकिंग प्रॉब्लम आए थे वो भी हमने रिजॉल्व किए हैं। और फॉरेन मिनिस्ट्री के भी आज प्रतिनिधि यहां थे, हमने उनको कहा कि आप भी बाकी मिनिस्टर को बुलाकर इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे रजिस्ट्रेशन में छोटे मोटे कुछ प्रॉब्लम ईरानियन साइड से और इंडियन साइड से थे, वो भी रिजॉल्व हो गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि एक शुरुआत हुई है चाबहार में, पहली बार एक कॉर्न का बड़ा वेसल जो ब्राजील से कॉर्न लेके आया और हमारे चाबहार पोर्ट में हमारे इंडियन पोर्ट कंपनी ने इसको हैंडल किया विद द कोऑपरेशन ऑफ ईरानियन ऑपरेटर, और पहली बार वो ऑपरेशन अच्छा सक्सेसफुल हुआ है। तो एक बहुत दिनों के बाद एक शुरुआत भी हुई है और जो कुछ हमने ऑब्स्टेकल्स से काफी रिजॉल्व कर लिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही चाबहार का फंक्शन ठीक प्रकार से शुरू होगा। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।